देश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक दिल दहला देने वाला गुनाह हुआ है और इसे एक 12 साल के नाबालिग ने अंजाम दिया है। इस गुनाह की वजह भी ऐसी है कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे। सोमवार की एक घटना है जब पुलिस ने इंदौर के लसूड़िया क्षेत्र से एक 10 साल की बच्ची की लाश बरामद की। लाश का सिर कुचला हुआ था। पुलिस ने जब पूरे मामले की तफ्तीश की तो बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ। नाबालिग ने, जिसकी उम्र 12 साल है, 12 साल के एक नाबालिग बच्चे ने केवल इसलिए हत्या कर दी उसकी 10 साल की दोस्त की, क्योंकि उसकी दोस्त ने, यानी उस 10 साल की बच्ची ने उसे, उसका एक जो पालतू सफेद चूहा था उसे मार दिया था, और जो वर्चुअल गेम होता है फ्री फायर, उसमें अक्सर वो हार जाया करता था। पुलिस हालांकि हत्या की एक और वजह यह भी बता रही है कि जो लड़का है 12 साल का नाबालिग, वो और लड़की अक्सर वीडियो गेम खेला करते थे जिसका नाम है फ्री फायर। पबजी तो बैन हो गया लेकिन फ्री फायर खेलते थे और लड़का गेम में अक्सर लड़की से हार जाया करता था, जिसके चलते वो लड़की से नाराज था। पुलिस को अंदेशा है कि हत्या के पीछे ये भी एक एंगल हो सकता है। हम रुक करेंगे इस खबर पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए। पीयूष पारे हमारे संवाददाता इंदौर से लाइव जुड़ गए हैं। पीयूष, अक्सर इस तरह की हम खबरें देखते हैं, सुनते भी हैं और वाकई ये सनसनीखेज वारदात है, लेकिन सबसे हैरान ये करता है कि एक 12 साल का बच्चा इतना हिंसक हो सकता है कि वो एक 10 साल की बच्ची को मौत के घाट उतार सकता है। आखिर ये हिंसक प्रवृत्ति बच्चों में आ कैसे रही है? देखिए बिल्कुल दीपक, कहीं ना कहीं इस घटना ने ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर दिए हैं और जिस तरह से ये घटनाक्रम सामने आया उसके बाद में पुलिस भी हैरत में है कि आखिर 12 साल का एक ऐसा लड़का जो सिर्फ गेम में हार जाने के कारण कहीं ना कहीं एक बच्ची की हत्या कर देता है। और खास बात ये रही कि इसके पीछे कई तरह के जो है वो बातें सामने आई है दीपक। पहली बात तो ये है कि ऑनलाइन गेमिंग जो होती थी उसमें बच्चा हार जाता था। दूसरी तरफ एक और जो महत्वपूर्ण बात इसमें पीछे इसके पीछे सामने आई है, जिसका जिक्र कल डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने भी किया था दीपक, कि एक पालतू चूहा था, उसे शंका थी कि कहीं ना कहीं उस बच्ची ने उस चूहे को मार दिया है और इसी बात का बदला लेने के लिए इस बच्चे ने इस बच्ची की हत्या कर दी है। तो ये कुल मिलाकर कई तरह के सवाल हैं। अभी फिलहाल बच्चे से पूछताछ की जा रही है, चूंकि जो है वो ये जो आरोपी है ये नाबालिग है, ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस तमाम पहलुओं के यहाँ पर जांच भी कर रही है। लेकिन मनोचिकित्सकों का मानना है कि जिस तरीके से यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज बढ़ा है उसके बाद में कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बच्चे अब इस तरीके की हिंसक घटनाओं को लेकर के लिए प्रेरित भी हो रहे हैं। लेकिन तो ये बड़ा सवाल है, हमें ये भी बताइए, इंदौर डीआईजी जो है, इंदौर डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र जो है, उनकी बच्चे से बातचीत हुई है, बच्चे ने उस बातचीत में डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र को भी कुछ खुलासे किए, कुछ बताया जिसको जानकर डीआईजी भी खुद हैरान रह गए। उनसे आपकी बात हो पाई है? डीआईजी साहब का क्या कहना है? देखिए बिल्कुल, इस पूरे मामले में डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र का यही कहना है कि ये का बड़ा अलग तरह का केस है। इस तरह के केस अमूमन जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आते नहीं है, लिहाजा जब उन्हें खुद इस बात की जानकारी मिली कि 12 साल के बच्चे ने यहाँ पर हत्या कर दी है तो ये उनके सामने एक बड़ा सवाल था। हालांकि बच्चे ने खुद यहाँ पर अपराध कबूला है, उसने इस बात की यहाँ पर पुलिस के सामने बात भी कबूली है दीपक, की उसने यहाँ पर बच्ची की हत्या की है। और खास तौर पर जो चूहे वाली बात आ रही है पालतू चूहे की, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हैरान डालने वाली है। तो ये एक बड़ा पहलू है। अब इन तमाम पहलुओं को लेकर पुलिस अपनी यहाँ पर कार्रवाई आगे बढ़ाएगी, लेकिन ये एक ऐसा मामला है दीपक जिसने कई तरह के सवाल समाज के सामने भी जरूर खड़े कर दिए हैं दीपक। बिल्कुल, कई सवाल खड़े किए हैं, वाकई सनसनीखेज मामला है, हैरान करता है। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष हमसे बातचीत करने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।